मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है तो ये गार्डन टूर है मेरा छोटा सा, तो वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको। इसमें सभी तरह के प्लांट और इसमें टपायरी और जो मैंने न्यू प्लांट लिए वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ, कौन कौन से मैंने न्यू प्लांट लिए। और इसमें सभी कुछ बास्केट वगैरह मैं आपको सभी फ्लावर इंडोर आउटडोर सभी प्लांट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और देखिए मैं सबसे पहले आपको अपनी बास्केट दिखाती हूँ। ये देखो ये पेलिनिया है, तो ये पत्तियाँ ग्रीन कितनी खूबसूरत लगती हैं इसमें, वेरीगेटेड। और ये इधर मेरा ये इंग्लिश ये एरेलिया है, एरेलिया जो होता है तो ये वेरीगेटेड है, ये ग्रीन और कुछ वाइट वाइट होता है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इधर मेरा ये इंग्लिश शाई भी है, ये भी वेरीगेटेड है। ये देखो इसकी पत्तियाँ भी वाइट और ग्रीन कितनी खूबसूरत लगती हैं। और इधर ये मेरा बेबी टीयर्स है, ये देखिए तो ये भी कितना भर गया है पहले से ज़्यादा, ये देखिए, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है प्लांट। और अभी काफ़ी सारी मेरी बास्केट है, पहले मैं आपको बास्केट ही दिखा रही हूँ और बाकी प्लांट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए ये मेरा कितना खूबसूरत बन गया है, काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले तो ये राउंड शेप थी, अब देखो ये तो ओवल शेप में ले लिया है इसने, जो कि ये नीचे को फैलता ही जा रहा है। और इधर हमारा ये क्रीपिंग चार्ली है, तो ये भी खूबसूरत है। ये देखो ग्रीन पत्तियाँ होती हैं इसमें, तो बहुत सुंदर होता है। और इधर मेरा ये देखो ये कुछ जंगली घास भी कहते हैं, औषधि भी होती है, तो इस पर पर्पल कलर का छोटा फूल बड़ा सुंदर लगता है। तो ये मैंने सभी जितना मेरा गार्डन में था इधर उधर फैला हुआ था, हर गमले में लगा हुआ था, मतलब अपना भी जम जाता है, तो मैंने एक ही बास्केट में इसको लगा दिया है। और इधर अजवाइन है, ये भी खाने के काम आती है। ये देखो जो हमारी किचन की अजवाइन होती है वो नहीं है, ये दूसरी है, तो इसे भी मैंने बास्केट में भी लगाया हुआ है। और इधर मेरा ये सिंगोनियम का है, ये देखिए ग्रीन वाला, ये वाइट लाइन होती है इसमें, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और इधर ये देखिए मेरा ये क्रीपिंग, और ये मेरी छिपकली बेल है, इसमें भी कई सारे कलर बनते हैं, पिंक और ग्रीन वाइट बहुत सारे कलर में आती है, ये भी बहुत सुंदर लगता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर बास्केट लगती है। और इधर मेरा एकदम ग्रीन देखो ये शीडम है, तो ये शीडम भी अच्छा लगता है, ये भी इसने भी पूरी बास्केट जो है अब घेर लिया। ये देखो काफ़ी घना हो गया, ये बुशी हो गया। और यहाँ मेरा इधर ये वेडिंग जो है ये वाइट वाला, और उधर दूसरा वाला है, ये भी बास्केट में रखा है मैंने। इधर भी ये सिंगोनियम है, तो इसको मैंने कटिंग से तैयार किया, ये भी अच्छा सा ग्रोथ पकड़ने लगा अपने। और ये देखिए ये दो प्लांट मेरे पास टोर्निया के पहले से ही थे, ये वाला इस पर भी काफ़ी फूल आ रहे हैं, और एक ये पिंक वाला कुछ पिंक टाइप का है, तो ये भी मेरे पास पहले से ही था, मतलब अभी थोड़े दिन पहले लिया था। और एक मैंने अभी न्यू लिया है, तो ये देखिए ये नर्सरी शॉपिंग की थी मैंने अभी, वो मैंने आपको नहीं दिखाई, तो ये प्लांट लिया था, ये मुझे कलर बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने इसलिए इसको भी ले लिया। तीन अब मेरे पास तीनों कलर हैं इसके टोर्निया के। और एक मैंने शॉपिंग में नींबू भी लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बड़े बड़े नींबू लग रहे हैं। ये देखिए ये नींबू का प्लांट भी लिया था मैंने, अच्छी फ्रूटिंग पे है, ये देखो कितना सुंदर, कई सारे गुच्छों में लगे हुए हैं और यहाँ पर बड़े बड़े लगे हुए हैं सारे प्लांट पर, नींबू ही नींबू हैं इसमें काफ़ी सारे। तो ये भी मुझे उन्होंने ये 200 का दिया है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ अच्छी है इसकी, तो इसलिए उन्होंने मुझे ये 200 का दिया है। तो ये भी प्लांट आप ले सकते हैं इस तरह के प्लांट, और ये 12 महीने इस पर नींबू आते हैं, ये कागजी नींबू है, तो इस पर नींबू काफ़ी आते हैं, उन्होंने बताया ये 12 महीने का नींबू का प्लांट है। और ये एलोपेक्टस है, इस पर भी फूल आ रही है, इसको मैंने ऊपर से ये बहुत बड़ा हो गया था लेगी सा, बड़े बड़े पत्ते हो गए थे, उसको मैंने सबको निकाल दिया, तो इसमें ये न्यू ब्रांच जो है ये निकल के बाहर आ गई, तो ये सबको हवा लगेगी और ये अब सभी पेन पे फूल भी आएंगे, ये भी अच्छा प्लांट है। और मेरा ये देखो ये अपना हिबिस्कस, तो इस पर भी अभी ये फूल खिला है, तो इस पर भी इक्का दुक्का खिलते रहते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है कलर, और काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे पे देखो बर्ड्स भी आई हुई हैं, कितनी सुंदर सुंदर अलग अलग हैं ये हिबिस्कस के कलर, कई सारे हैं मेरे पास, तो किसी पे बर्ड्स हैं किसी पे फूल हैं, तो बहुत सारे हैं मेरे पास।
और इधर दिखाती हूँ, ये तो पेंटाश की देखो मैं दिखाती रहती हूँ, तो इस पे बराबर फूल बने रहते हैं। ये देखिए इन पे तो 24 घंटे लगे रहते हैं। अगर आपको 24 घंटे लगे और ऐसा प्लांट चाहिए कि आपको फूल दिखाई दे हर समय, तो ये वाला प्लांट आप ले सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है। ये एक इसका इधर ये देखो, ये रेड कलर है, ये पेंटास का, इस पे भी कितने सारे फूल आ रहे हैं। और इधर दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ये देखिए इधर ये विगोनिया का और इधर सिंगोनियम का, इंडोर है। और इधर अजेलिया, इस पे भी ये विंटर में फूल आएंगे। और इधर अपना डेफन वेकिया, इधर भी विगोनिया, ये सब प्लांट रखे हुए मेरे, ये देखो। तो इधर ये खूबसूरत पत्तियों वाले, और इधर होया प्लांट, इसमें भी रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं, सुंदर लगता है। और इधर कुछ ऐसा लग रहा है, ये देखो, क्योंकि ये नाम नहीं बता रही है, ये पोलका डॉट। काफ़ी सारे प्लांट है तो जल्दी जल्दी ऐसे ही दिखा देती हूँ। ये अजवाइन का प्लांट, ये देखिए, ये मेरा, ये इसमें रखा है बास्केट में। ये इधर सिल्वर, ये देखो ये कितना खूबसूरत लगता है, ड्रेसिना। और यहाँ पर ये पर्पल हार्ट और रियो प्लांट काफ़ी सारे हैं। और ये मेरा, ये जो होता है ब्रोकन हार्ट। और यहाँ पे ये ड्रेसिना, ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है, ये भी काफ़ी फैल गया है, देखो कितना बड़ा बड़ा। और यहाँ पे ये छोटे बड़े कटिंग जो भी मैंने लगाई थी वो सब यहाँ पे रखी है। और ये सेकुलेंट कैक्टस, पेंसिल कैक्टस, इस पर देखिए छोटी छोटी पत्तियाँ भी आती है, तो ये अच्छा लगता है। इधर भी कटिंग है, तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक है मेरा। और इधर का ये देखिए, ये कुछ लुक इस तरह का है मेरा, इस साइड का, एक साइड का। और यहाँ पर अलग अलग तरह के सभी रखे हैं प्लांट, ये देखो। अब मैं थोड़ा सा बाहर आती हूँ यहाँ से, ये टीन सेट का अंदर का दिखाया मैंने सब। और यहाँ पे हमारी मिर्चियाँ भी लगी हुई हैं, हरी लाल पीली सभी तरह की, ये देखो सारे कलर की मिर्च आती हैं इस पर। और ये हाँ हमारा ये गोल्डन डस्ट क्रोटोन, ये भी खूबसूरत लगता है। और यहाँ का लुक कुछ ऐसा है। और यहाँ हमारा ये सिंगल पेटल का शंख पुष्पी, इस पर भी फूल आ रहे हैं बराबर, ये देखिए खूबसूरत लगता है ये भी। मेरे पास दूसरा कलर भी है इसका, ब्लू कलर भी, तो पायरी में है वो। और ये गुलाब भी कुछ कुछ खिल रहे हैं, वो गुलाब मेरे ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, ये देखिए। तो और ये मिर्च है इधर फिर दोबारा से। और ये मेरा नया फूल खिलाया अभी, ये डेजर्ट पे, ये देखो ये रेड कलर का है, तो इसमें अभी कई सारी कलियाँ भी हैं, ये आज ही खिलाया। ये भी अच्छा लगता है, फूल भी पत्ते भी, और इसमें भी आ रहा है। और छोटे से गमले में देखो, इसको मैंने बहुत बड़ा दिया भी नहीं है, ये 2-3 इंच का है इस गमले में, देखो ये लगा हुआ है। और इधर भी मिर्ची रखी है मेरी, हार्वेस्ट करने के बाद भी ये लाल ये रह जाते हैं, काफ़ी तेज हैं ये मिर्ची, देखिए। तो इधर कुछ इस तरह से लग रहा है ये लोग, देखो ये काफ़ी सारे प्लांट मेरे हैं, लाल बादशाह ये सब रखे हुए यहाँ पे। यहाँ देखो ऐसे ही मैं आपको कैमरे से दिखा देती हूँ, ये सभी तरह के प्लांट हैं मेरे, मिक्स प्लांट हैं ये सभी तरह के, इन्होंने भी अच्छी ग्रोथ पकड़ रखी है। और यहाँ बारिश लगातार है, तो यहाँ पे प्लांट हमारे हरे भरे हैं। तो ये देखिए, ये भी अलग अलग ढंग के प्लांट हैं मेरे पास सारे, यहाँ टमाटर भी लगे हैं। यहाँ ये देखिए, ये वेरिएटेड, ये पालक चाइनीज। और यहाँ पर सदाबहार, ये बास्केट में पर्पल हार्ट। और यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ पर ये जो चाइनीज हिबिस्कस होता है,
ये देखिए ये लटके हैं, ये भी 12 महीने का प्लांट है, ये हिबिस्कस है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। और यहाँ राखी वेल है, इस पर अभी तो आ चुके हैं इस पर फूल, अब नहीं आ रहे इस समय। और हमारे ये पर्सनल अभी खिलना शुरू हुए हैं, क्योंकि सुबह है तो अभी शुरू हुए हैं खिलना। और इधर का लुक कुछ ऐसा है। और मैं अब आ जाती हूँ इधर वाले पोर्शन में। और ये हमारी ये शंख पुष्प की जो टुपायरी बनाई थी वो है ये वाइट वाली, तो ये फैल रही है, इसको भी मैं ठीक करूँगी। और ये भी काफ़ी फैल रही है, ये पर्पल वाली है, ब्लू वाली, तो इस पर भी काफ़ी फूल आते हैं। और ये मैंने ये देखो ये बनाई थी बेबी शनरोज की, ये भी अब जो है चलने लगी है, ये भी टोपायरी बनाए थे। और यहाँ सिंगोनियम, यहाँ पर आपके ये बेबी डोल, क्रोटोन जो होता है, क्रोटोन नहीं एक ड्रेसिना। और ये अलग अलग तरह के यहाँ पे रखे हैं, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहे हैं। और ये देखिए इसने तो बिल्कुल कमाल कर दिया है, ये थाउजेंड मदर थाउजेंड, कितनी खूबसूरत लग रही हैं इसकी पत्तियाँ। और देखिए कितना पूरा भरी हुई है ये पत्ती, देखो ये इसमें छोटे छोटे बेबी लगे हैं, ये पूरी पत्तियाँ भरी हुई हैं, बहुत सुंदर प्लांट लग रहा है इस समय। और यहाँ पे मेरे ये मनी प्लांट पोथोस, यहाँ पर अलग अलग कलर के पोथोस, यहाँ मेरे कोलियाज रंग बिरंगे पत्ती वाले खूबसूरत कलर में। और यहाँ अलग अलग हैं, ये गार्डनिया है। और ये देखो मधुकामी पे भी कितनी बार फूल भाई आ चुका है इस पर, 5-6 महीने में, कम से कम 4-5 महीने में बहुत बार आ गया इस पर, कम से कम 7-8 बार से भी ज़्यादा आ गया, 10-15 दिन डोरमेंसी, और बाद में फिर इस पर ये जो है ये गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं फूलों के, और बड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और फूल ही फूल नज़र आता है इस पर। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। और यहाँ हमारा टिकोमा का, ये भी मेरा जब से आया इस पर भी अच्छे फूल बने ही रहते हैं, इस वाले टिकोमा पे इस कितने सारे फूल नीचे गिर गए इसके। और यहाँ पर ये मेरा हिबिस्कस, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है इसका भी। और इधर का लुक कुछ, ये देखिए स्पाइडर बाल्टा, इस पर भी फूल आ रहा है, ये भी अच्छा लगता है, छोटा सा फूल है और पत्तियाँ भी अच्छा लगता है, आउटडोर आउटडोर इनडोर दोनों ही रख सकते हैं इनको तो। और ये देखिए एलोवेरा, और यहाँ पर स्पाइडर, यहाँ फिर जो है तो काफ़ी सारे, ये तो मेरी ये लिली वगैरह है, ये अलग अलग लिली जो होती हैं। और ये मॉस रोज येलो कलर का, ये अलग प्लांट है, ये वेरीवेटेड पत्तियों का सो प्लांट है, और इसी में मैंने ये कटिंग लगाई थी तो ये अच्छा चल रहा है मेरा। यहाँ पर ये वाइट कलर का, ये देखो बिन का देसी वाला है, ये देखिए। और मैं जाती हूँ नीचे वाली सीढ़ी में, तो यहाँ पर कुछ प्लांट रखे हैं, ये नीचे की सीढ़ी में रखे हैं, ये कुछ कोलियास हैं, तो कोलियास मेरे पास काफ़ी सारे हैं, एक ये अलग है और ये वाला अलग है। और ये मेरा जीजी प्लांट है, ये देखिए, तो इसको भी सो माना जाता है, इसको भी जरूर लगाना चाहिए, ग्रीन रहता है। और ये मेरा सप्रेला वेरीगेटेड, ये भी प्लेन में भी आता है और वेरीगेटेड भी। और यहाँ मेरा ये देखिए ये शिंगोनियम, फिर से कोलियस। और यहाँ हमारा एग्लोनिमा, ये पिंक वाला, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर ये देखिए कलेडियम, और ये ड्रेसिना। और यहाँ पर अलग अलग है, ये देखिए ये जो 4 o'clock होता है, ये पर्पल कलर का फूल आता है इसमें, तो अभी छोटा छोटा बन रहा है इस पर, ये मनी प्लांट है, यहाँ फैला हुआ है मेरा पूरा ऊपर तक। और यहाँ मेरा ये देखो, ये थोड़ा सा मैं इधर भी झलक दिखा देती हूँ, ये मनी प्लांट रखे हैं। तो और यहाँ पे ये स्नेक प्लांट, ये भी मनी प्लांट। और यहाँ पर ये देखो
स्नेक प्लांट अलग अलग तरह के, ये मैं नीचे से दिखा रही हूँ, वहाँ ऊपर रखा है पीछे की तरफ से, ये देखो कुछ इस तरह से है। और यहाँ मेरा ये देखिए फिर से कलेडियम, ये दूसरा वाला है छोटी पत्ती का सिंगोनियम, ये सिंगोनियम है। तो यहाँ मेरा सुख शांति वाला प्लांट है, ये कटिंग से बहुत जल्दी अच्छा सा लग जाता, तो मैंने इसको कटिंग से भी लगाया है। और यहाँ मेरा पीस लिली, इस पर वाइट कलर का फूल आता है बहुत सुंदर, ये अभी ऐसा हो गया है इसका बीज भी, फूल में था पहले, ये छोटे छोटे प्लांट लगाए हैं मैंने। और यहाँ मेरा ये ड्रेसिन है लंबी पत्ती वाला, और ये देखिए चाइनीज एग्लोनिमा, ये कितना ग्रोथ पकड़ा है इसने, बहुत खूबसूरत ग्रोथ पकड़ा है इसने। और यहाँ पर ये चाइनीज पाम है मेरा, तो ये भी अच्छा लगता है, ये छोटा छोटा चलता है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसको भी मैंने इसमें गमले में दे दिया है। और यहाँ मेरा ये एग्लोनिमा, ये मैंने सीढ़ियों में रखा है, इंडोर प्लांट है ये मेरे, तो ये भी कितना खूबसूरत लगता है। तो अभी दूसरी साइड मेरी और रह गई है, तो देखिए यहाँ पर भी मेरा ये इंडोर प्लांट रखा है, ये फिलोडेंड्रॉन जो होता है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है लंबी लंबी पत्तियों वाला, कितना खूबसूरत है। काफ़ी सारे हैं इंडोर प्लांट भी मेरे पास, मैं बस दिखा नहीं पाती हूँ आपको। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।